हेलो फ्रेंड्स, आई एम नवनी सचान एंड वेलकम टू टेक्निकल क्लासेस यूट्यूब चैनल। इसमें आप देख रहे हैं लेथ मशीन के बारे में, लेथ मशीन की लाइव क्लास है आज, लेक्चर वन इंट्रोडक्शन क्लास है आज की, जिसमें लेक्चर वन के बारे में बताया जाएगा। इसमें बहुत ही लेक्चर चलेंगे क्योंकि ये बहुत ही लेंथी चैप्टर है लेथ मशीन। ये न केवल फिटर टर्नर मशीन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग बने रहिए। लेथ मशीन आपको पूरी कवर कराई जाएगी, इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए और बताइए आप लोगों को वीडियो और साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है, आप लोग समझ पा रहे हैं? लेथ मशीन की क्लास है आज। लेथ मशीन में टाइप्स ऑफ लेथ मशीन बताई जाएंगी, लेथ मशीन के फंक्शन बताए जाएंगे और कितने प्रकार की लेथ मशीन होती है, कैसे वर्क करती है, क्या क्या पार्ट होते हैं, किस पार्ट का क्या फंक्शन होता है। तो आप लोग जुड़ जाइए जल्दी से, बताइए साउंड क्वालिटी और वीडियो कैसा आ रहा है, आप लोग समझ पा रहे हैं? बताइए आप लोग, फिर हम स्टार्ट कर देते हैं क्लास। लेथ मशीन में बेसिकली आपको जो पढ़ना है वो सेंटर लेथ मशीन के बारे में पढ़ना है, ठीक है? सेंटर लेथ मशीन के बारे में आप लोगों को बताया जाता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। हाँ, लेकिन कई बार आपको जो टाइप्स ऑफ लेथ मशीन है उनमें से कुछ लेथ मशीन है जैसे प्रोडक्शन लेथ मशीन के कैटेगरी में रखी जाती है, आपको कैपेसिटर लेथ और टरेट लेथ के बारे में भी बताया जाएगा, ठीक है? क्योंकि उनसे भी कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पहले हम लेथ मशीन देख लेंगे, ओवरऑल लेथ मशीन होती क्या है, कैसे वर्क करती है, क्या इसका यूज होता है, ठीक है? इसके बाद आपको उसके टाइप्स भी बताए जाएंगे, कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं, उससे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि लेथ मशीन लगभग जैसे जैसे हम यूज करते जाते हैं, आजकल तो सीएनसी मशीन बहुत एडवांस मशीनें आ गई हैं, तो लेथ मशीन का रोल ऐसा नहीं है कि कम हो गया हो। तो आप लोग जुड़ जाइए, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, जल्दी से क्लास, ठीक है? तो लेथ मशीन में कई प्रकार की लेथ मशीन होती है, स्पीड लेथ मशीन होती है, सेंट्रल लेथ मशीन, बेंच लेथ मशीन, प्रोडक्शन लेथ मशीन, इसके अलावा स्पेशल लेथ मशीन और ऑटोमेटिक लेथ मशीन होती है। कई टाइप्स की लेथ मशीन के बारे में उनको पॉइंट पॉइंट आपको बताया जाएगा जो उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन जो डीप में पढ़ना है आप लोगों को वो सेंट्रल लेथ मशीन के बारे में पढ़ना है, क्योंकि सेंट्रल लेथ मशीन से क्वेश्चन आते ही है। और कोई भी ट्रेड हो, आपकी फिटर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि बहुत ही लेंथी टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लेता है लेथ मशीन के बारे में, ठीक है? तो पहले लेथ मशीन होती क्या है, आप लोग देख रहे हैं, सामने फिगर दिख रहा होगा आप लोगों को, ये लेथ मशीन है, सेंट्रल लेथ मशीन है, बेसिकली ये सेंट्रल लेथ मशीन है, ठीक है? सेंट्रल लेथ मशीन के अलावा भी आपको कई तरह की लेथ मशीन बताई जाएंगी। तो मेन सेंट्रल लेथ मशीन क्या होती है, कैसे यूज होता है? तो बेसिकली जो कटिंग का फंडा होता है, कोई भी हम जहां को टर्न करना है, कटिंग करनी है, तो उसमें दो ही फंक्शन काम करते हैं, दो ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। वो क्या होती हैं? या तो जॉब रोटेट कर रहा हो, टूल स्थिर हो, ठीक है? या तो टूल रोटेट कर रहा हो, जॉब स्थिर हो, मतलब दो में से एक कंपोनेंट मूव करेगा, एक कंपोनेंट क्या होगा, फिक्स होगा, स्थिर होगा, उसको केवल हम फीड देंगे, इसके द्वारा क्या होगी, कटिंग पॉसिबल हो पाती है, दोनों मूवमेंट नहीं होते हैं। ड्रिल मशीन के केस में देखा, ड्रिल मशीन में क्या होता है, ड्रिल आता है, ड्रिल क्या करता है, रोटेट करता है, ड्रिल रोटेट करता है, फीड भी हम ड्रिल में देते हैं, लेकिन इसके केस में देखेंगे, मतलब इसमें टूल रोटेट कर रहा था, जबकि हम लेथ मशीन के केस में देखेंगे, लेथ मशीन में जॉब रोटेट करेगा, जॉब में मूवमेंट रहता है, जॉब को हम गति प्रदान करते हैं, जबकि इसमें टूल स्थिर रहेगा, टूल चाहे वो टेलीस्टॉक में होल्ड हो या तो आपका कैरेज में हो, टूल पोस्ट पे होल्ड हो, कहीं भी टूल होल्ड होगा वहां पे क्या रहेगा, टूल स्थिर रहेगा और जॉब रोटेट करेगा। एक तो ये इसका मतलब एक बेसिक फंडा है जिसपे ये वर्क करती है, ठीक है? अब कौन कौन से पार्ट होते हैं, अब इसमें फीड किसको देते हैं, ड्रिल मशीन के केस में देखा आपने, ड्रिल को भी फीड, ड्रिल को ही फीड देते हैं, और ड्रिल को ही क्या करते हैं, इस ड्रिल में ही रोटेशन होते हैं, स्पीड और फीड दोनों टूल्स में ही होती है, जबकि इसकी केस में देखेंगे जॉब में रोटेशन होगी, जॉब में स्पीड होगी, जबकि क्या होगी, टूल में हम उसको फीड देंगे, ठीक है? तो ये लेथ मशीन का मेन फंक्शन है, इसमें ये वर्क करती है। तो लेथ मशीन कितने प्रकार की होती है,
लेथ मशीन के टाइप्स भी बताए जाएंगे आप लोगों को। सेंटर लेथ मशीन बेसिकली आपको जो इम्पोर्टेंट है, जो पढ़ना है, जिसके बारे में पूछा गया है एग्जाम में, तो सेंटर लेथ मशीन स्टार्ट होगी आपसे, ठीक है। तो इसके बाद हम पॉइंट पॉइंट क्वेश्चन, इसके पॉइंट पॉइंट क्वेश्चन भी करा देंगे जो इम्पोर्टेंट है और आए हुए हैं, फिर चूंकि हम जब एमसीक्यू पर आते हैं तो वहां पे वो हेल्प करते हैं हमारी, ठीक है। एक बार आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेंगे लेथ मशीन की। इसमें देखेंगे लेथ मशीन आपको दिख रही है, सेंटर लेथ मशीन, बेसिकली ये तीन पार्ट होते हैं इसमें, ठीक है। एक जो पार्ट होता है लेफ्ट में हेड स्टाफ होता है, बीच में कैरिएज होता है और राइट साइड में टेल स्टाफ होता है, ठीक है। इसी तीन पार्ट होते हैं बेसिकली लेथ मशीन में, और भी कई पार्ट होते हैं जैसे लेग होते हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन पार्ट होते हैं। इसको मदर ऑफ मशीन भी बोला जाता है, मशीनों की माँ भी बोला जाता है, क्यों? उसके पीछे लॉजिक ये है क्योंकि इसमें हम लगभग लगभग हर तरह के ऑपरेशन कर सकते हैं, हर तरह के कटिंग ऑपरेशन इसमें हम पॉसिबल है और कर सकते हैं। या तो टूल को हमें टूल पोस्ट में बांधना पड़े या तो टूल को हमें टेल स्टॉक में होल्ड करना पड़े, ठीक है। किसी भी केस में हम लगभग लगभग ड्रिल होल भी कर लेते हैं, टर्निंग भी करते हैं, स्टेप टर्निंग करते हैं, फेसिंग करते हैं, और इसकी हम ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें बोरिंग कर सकते हैं, रीमिंग कर सकते हैं, टेपिंग थ्रेडिंग कर सकते हैं। तो मतलब ओवरऑल कहने का ये हुआ कि नंबर ऑफ ऑपरेशन इसमें क्या है, बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए हम इसको मदर ऑफ मशीन भी कहते हैं, ठीक है। पार्ट देखेंगे इसमें, जो आपके पार्ट है ये मेन जो नीचे रखी हुई मशीन होती है वो इसमें लेग होते हैं, ये जो होते हैं वो कौन से पार्ट है, लेग से बोलते हैं उनको, लेग होते हैं, लेग मतलब टांग होती है, ठीक है। तो ये तो लेग होते हैं जिनपे मशीन क्या होती है, पूरी कंस्ट्रक्ट होती है, बनी हुई होती है। ये कास्ट आयरन के बनाए होते हैं, कास्ट आयरन के बनाए जाने के इसमें मोस्टली पार्ट, मोस्ट ऑफ पार्ट कास्ट आयरन का बना हुआ है। इसमें जो बेड देखेंगे आप वो भी कास्ट आयरन का बना हुआ है, टेनिस स्टैक का जो पोर्शन है वो भी कास्ट आयरन का बना हुआ है, मतलब मोस्ट ऑफ पार्ट इसमें कास्ट आयरन का बना रहता है। क्योंकि इसमें हैवी जॉब से हम ऑपरेशन जब करते हैं तो जर्क होता है, एक कंप्रेसिव लोड लगता है, उसको बेयर करता है, ये क्षमता होती है कास्ट आयरन में। तो लेग किसके बनाए जाते हैं, कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। फिर इसके ऊपर एक ट्रे होती है, इसमें एक ट्रे रहती है, नीचे ट्रे रहती है। ट्रे का काम क्या, बेसिकली जब हम कटिंग ऑपरेशन करते हैं इसमें, तो कटिंग के दौरान जो कूलेंट निकलता है या जो लुब्रिकेंट निकलता है, कूलेंट और लुब्रिकेंट दोनों डिफरेंट चीजें हैं। जब हम थ्रेडिंग करेंगे, चूड़ी काटेंगे, उस समय हम लुब्रिकेंट का यूज करते हैं, जबकि हम कटिंग के टाइम पे, टर्निंग के टाइम पे कह सकते हैं कूलेंट का यूज करते हैं, ठीक है। जो पूरा चैप्टर है लुब्रिकेंट और कूलेंट में, उसमें आपको डीप से पढ़ने मिलेगा। तो कूलेंट हो गया या लुब्रिकेंट हो गया, इसके अलावा इसमें जो चिप्स निकलते हैं, चिप्स निकलते हैं, ग्रेन्स निकलते हैं, वो किसमें आते हैं, ट्रे में नीचे आते हैं। तो ये ट्रे का यूज बेसिकली क्या हो जाता है, ग्रेन्स और चिप्स को तथा कूलेंट को ये नीचे रखता है, इसमें ग्रेन्स और चिप्स इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, ये चीज समझ में आए। और ऊपर चलते हैं इसमें, तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। ये हेड स्टाफ होती है, जो पूरी यूनिट होती है हेड स्टाफ होती है, हेड स्टाफ होती है। क्योंकि अपन को करना क्या, अपन को कंपटीशन फाइट करना, मेन मोटिव क्या, अपन का कंपटीशन फाइट करना। तो कंपटीशन फाइट करने के लिए आप चीजें याद, कई चीजें समझ भी लेते हैं, कई चीजें याद भी करते हैं, और चूंकि तैयारी ऐसी कराई जा रही है कि आप लोगों जो क्वेश्चन पूछे हुए गए हैं, ठीक है, क्या उसका उद्देश्य है, क्यों बनाया गया, क्या पर्पज है, कैसे फंक्शन करता है, तो वो सारी चीजें इसमें बताई जाती है, ठीक है। ये हेड स्टॉक है, हेड स्टॉक में कौन कौन से मेन पोर्शन रहते हैं, ये आपका स्पेंडल रहता है, इसमें मेन पीछे क्या रहता है, यहाँ पे स्पेंडल रहता है, ये स्पिंडल रहता है। इसके लेफ्ट इस साइड अगर हम बात करें, लेफ्ट साइड पे हम बात करें, तो एक स्पिंडल रहता है, स्पिंडल में लेथ चक होल्ड रहता है, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये लेथ चक है। इसके अलावा भी हम स्पिंडल में फेस प्लेट, कैश प्लेट, ड्राइविंग प्लेट आदि होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जॉब होल्डिंग डिवाइस, एक शब्द में अगर बोले तो जॉब होल्डिंग या वर्क पीस होल्डिंग डिवाइस लगी रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेथ चक बोलते हैं, ठीक है, लेथ चक बोलते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसके बारे में आप लोग बताया जाएगा जब आगे पढ़ेंगे इसके टाइप्स के बारे में, मतलब किसके कितने प्रकार के चक, कितने प्रकार के होते हैं, टूल पोस्ट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये सब टाइप्स जब बताए जाएंगे उसमें बताया जाएगा। अभी मेन मेन आप फंक्शन समझ लीजिए, ये स्पेंडल पीछे से आता है, लेफ्ट साइड में पीछे से स्पेंडल आता है। स्पेंडल लगाने का यूज क्यों किया गया, स्पेंडल में ही रोटेशन होती है, स्पेंडल को जो रोटेशन दी जाती है वो मोटर के माध्यम से,
दो सिस्टम बताए जाएंगे आपको, कोन पुली सिस्टम या ऑल गियर सिस्टम। कोन पुली के माध्यम से भी हम गियर पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं, जबकि ऑल गियर सिस्टम के द्वारा भी हम पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। मोटर की जो पावर होती है, रोटेशन की जो ट्रांसमिट पावर होती है, उसको हम किस पर ट्रांसमिट करते हैं, स्पिंडल पर ट्रांसमिट करते हैं। स्पिंडल में क्या होल्ड रहता है, स्पिंडल में बाहरी थ्रेड कटी रहती है। स्पिंडल में कौन सी थ्रेड होती है, आउटर थ्रेड होती है। स्पिंडल में आउटर थ्रेड होती है, ठीक है, और इसमें स्पिंडल में आउटर थ्रेड रहती है, बाहर हिस्से में थ्रेड है। अब उसमें हम क्या करते हैं, लेंथ चेक हम टाइट कर देते हैं। तो लेंथ चेक में कौन सी थ्रेड हो गई, इंटरनल थ्रेड हो गई, ठीक है, इसमें इंटरनल थ्रेड होती है, इंटरनल थ्रेड हो जाती है, इसमें इंटरनल थ्रेड रहती है, वो क्या करता है, स्पिंडल में हम टाइट कर देते हैं। ये फंक्शन समझ में आया, जब स्पिंडल घूमेगा तो लेंथ चेक भी घूमेगा, ठीक है, लेंथ चेक आपका रोटेट होने लगा। ये इसकी जो स्पीड है, इसकी में हम वेरिएशन दे सकते हैं, मतलब स्पीड कम भी कर सकते हैं और स्पीड ज्यादा भी कर सकते हैं। तो स्पीड कम ज्यादा करने के लिए यहाँ पे क्या लगे रहते हैं, लीवर लगे रहते हैं। आपको ये जो दिख रहे हैं, ये क्या है, लीवर लगे हुए हैं, इनको हम लीवर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपको हैंडल टाइप के दिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो आपको हैंडल टाइप के दिख रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, हैंड व्हील बोलते हैं। हैंड व्हील बोलते हैं, लीवर और हैंड व्हील सब लगे रहते हैं इसमें, ठीक है। तो ये चीज फंक्शन समझ में आई, लीवर के दौरान क्या कर सकते हैं, इसके रोटेशन को कम, मतलब स्पीड को कम और स्पीड को ज्यादा कर सकते हैं, वेरिएशन देते हैं। ये कैसे संभव हो पाता है, कोन पुली सिस्टम आपको बताया जाएगा या ऑल गियर सिस्टम बताया जाएगा, उसमें आपको बताया जाएगा ड्राइवर की गियर होता है, ड्रिवन गियर होता है। तो कैसे पॉसिबल है, जब आगे जैसे जैसे लेथ मशीन आगे चलती जाएगी, मतलब लेथ मशीन थोड़ी चलेगी, हम जब आगे चलते जाएंगे, मतलब जब इस पे लेंथ मशीन के लेक्चर 2 लेक्चर 3 ऐसे जब जैसे 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 आगे पढ़ते जाएंगे आप लोग, वैसे वैसे सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। बेसिक चूंकि समझ रहे हैं, प्रोडक्शन क्लास है आज, तो बेसिक बताया जाएगा कैसे, इसके बाद हम पॉइंट्स भी कराएंगे जो एग्जाम में पूछे हुए गए, ठीक है। तो हेड स्टॉक देख लिया आपने, जिसमें मेन स्पिंडल थी और इसमें लेंथ चक होल्ड था, और ऑल गियर मैकेनिज्म जो लगा रहता है वो हेड स्टॉक पे ही लगा रहता है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं नीचे फीड रॉड होती है, फीड रॉड होती है और एक होती है लीड स्क्रू, लीड स्क्रू या फीड रॉड होता क्या है, ये पूरी जो यूनिट है कैरिज बोलते हैं इसको, जो बीच में यूनिट है कैरिज होती है, ये बेड में आगे पीछे स्लाइड होती है, ठीक है। तो जब बेड में स्लाइड होती है आगे पीछे, तो इसमें हम ऑटोमेटिक फीड देते हैं या मैनुअल फीड देते हैं, हाथ से भी फीड दे सकते हैं और ऑटोमेटिक भी फीड दे सकते हैं। ऑटोमेटिक फीड देने के लिए हमें फीड रॉड रहती है, तो फीड रॉड में क्या करना पड़ता है, एंगेज और डिसएंगेज का प्रोसेस रहता है, इसमें लीवर के माध्यम से एंगेज डिसएंगेज कर सकते हैं। फिर होता क्या है, ये कैरिज जो है वो लेफ्ट राइट ऑटोमेटिक मूव कर सकता है। तो कई लेथ मशीन में आप देखेंगे जो लीड स्क्रू होती है उसी में क्या लगा दी जाती है, एक रेक्टेंगुलर कीवे काट दिया जाता है, ओवर लंबाई में एक कीवे काट दिया गया है, उस फिर उसमें हमें क्या करना पड़ता है, अलग से फीड रॉड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस लीड स्क्रू और फीड रॉड, लीड स्क्रू का मेन, पहले लीड स्क्रू में थ्रेड कटी रहती है, यहाँ पे क्या रहती है, थ्रेड कटी रहती है, कौन सी थ्रेड होती है, एक में थ्रेड होती है, एक में थ्रेड कटी रहती है। अगर ऑप्शन एक में थ्रेड नहीं है तो आप स्क्वायर थ्रेड भी कह सकते हैं, अगर एक में थ्रेड ऑप्शन नहीं है उस केस में, बाकी जो थ्रेड कटी रहती है इसमें एक में थ्रेड कटी रहती है। तो फीड रॉड ऑटोमेटिक फीड देने के लिए, कैरिज को ऑटोमेटिक मूव कराने के लिए लेफ्ट राइट फीड रॉड का यूज हो गया। लीड स्क्रू का जो यूज होता है, जब हम थ्रेडिंग करते हैं, चूड़ी काटते हैं किसी भी सिलेंड्रिकल जॉब में, जब हमें चूड़ी काटनी रहती है, तो हमें एक समान जो कैरिज है वो एक समान आगे पीछे होना चाहिए, मतलब एक निश्चित टाइम से आगे पीछे होना चाहिए, तभी वो चूड़ी काट सकता है, नहीं तो वेरिएशन हो जाएगा तो चूड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उसके लिए हमें लीड स्क्रू, क्योंकि लीड स्क्रू में थ्रेड कटी रहती है, तो उसी स्पीड से, अब इसमें लीड स्क्रू भी कई तरह की आती है, 2 टीपीआई की भी आती है, 4 से 6 टीपीआई की भी आती है, 8 टीपीआई की भी आती है। वो कैसे टीपीआई है, कैसे थ्रेड काटते हैं, कैसे ड्राइवर और ड्रिवन गियर को गियर चेंज करके थ्रेड की पिच चेंज कर सकते हैं, वो सब आगे पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। तो अभी आप लोग इतने समझ लीजिए कि जो इसमें थ्रेड काटने के लिए बनाया गया है,
ये लेड स्क्रू को हाफ नट के द्वारा हम इंगेज कर लेते हैं। लेड स्क्रू क्या रहती है, इसमें हाफ नट कैरिज के पीछे हाफ नट लगा रहता है, हाफ नट के द्वारा हम लेड स्क्रू को इंगेज कर लिए, लेड स्क्रू इसको भी इंगेज कर लेते हैं। फिर अब जो चलती है कैरिज वो लेड स्क्रू के मूवमेंट के हिसाब से चलती है, ठीक है। तो लेड स्क्रू का फंक्शन समझ में आया और फीड रॉड का भी फंक्शन समझ में आया होगा आपको। तो कैरिज की बात कर लेते हैं, कैरिज में जो आपको पोर्शन दिख रहा है, कैरिज में ये जो पोर्शन है आपका, ये क्या है, ये जो बीच का पोर्शन दिख रहा है आप लोगों का, ये कैरिज है, ठीक है। तो कैरिज में होता क्या है, कैरिज में टूल पोस्ट मेन इसका फंक्शन है टूल को होल्ड करना है। कैरिज का मेन फंक्शन क्या है, टूल को होल्ड करना है। टूल होल्ड करने के लिए टूल पोस्ट होता है। क्वेश्चन ये आया हुआ है एग्जाम में, कैरिज के प्रमुख कितने यूनिट होते हैं, कैरिज के प्रमुख कितने यूनिट होते हैं। तो नीचे आप देखेंगे सैडल लगा रहता है, इसमें एक ही बेड होता है, बेड होता है लेथ मशीन में, जो बेड होता है लेथ मशीन में जो बेड होता है, वी बेड भी हो सकता है, फ्लैट बेड भी हो सकता है। कितने प्रकार के बेड होते हैं, जब हम बेड के टाइप्स में आएंगे तब बताएंगे। आप बेसिकली समझ लीजिए फ्लैट बेड भी हो सकता है, वी बेड भी हो सकता है, ये उल्टा भी बनता है, ये 90 डिग्री पर रहता है, ठीक है। ये इस बेड में क्या करती है, पूरी कैरिज स्लाइड करती है, लेफ्ट राइट स्लाइड करती है। तो जो बेड से टच किया हुआ पोर्शन रहता है उसको हम सैडल बोलते हैं। पहला पोर्शन कैरिज का कौन सा हो गया, सैडल हो गया। ये कैरिज के पोर्शन है, कैरिज के पोर्शन है, पहला कौन सा हो गया, सैडल हो गया। पहला पोर्शन यहां से सैडल हो जाता है, ठीक है। सैडल के ऊपर जो यूनिट लगी रहती है उसको हम बोलते हैं क्रॉस स्लाइड। सैडल के ऊपर क्रॉस स्लाइड, क्योंकि हम लेफ्ट राइट तो मूव कर रहे हैं, लेफ्ट राइट तो मूव हो रहा है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल मोशन देना है, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट देना है। मतलब ये जो अच्छ है इसकी, ये समांतर अच्छ है बेड की, इसके हमें इस तरफ फोर्स देना है, लॉन्गिट्यूडनल फोर्स देना है, ठीक है। तो हम उसके लिए क्रॉस स्लाइड यूज होती है। क्रॉस स्लाइड को हम अच्छ के 90 डिग्री पे, मतलब फीड तीन प्रकार की होती है, फीड तीन प्रकार के दे सकते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल फीड होती है जो कि इसके लंबवत चलती है, ठीक है। एक पैरेलल फीड होती है, ठीक है, जो हम इसके समांतर चलाएंगे। तो एक एंगल में फीड होती है, एंगुलर फीड, उसको हम कंपाउंड स्लाइड के द्वारा देते हैं। तो क्रॉस स्लाइड का प्रयोग नंबर दो, दूसरा पार्ट कौन हो गया, क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड, क्रॉस स्लाइड का यूज क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल फीड प्रोवाइड करने के लिए। ये सैडल के ऊपर टाइट रहता है, ये आगे पीछे क्या करता है, 90 डिग्री पे, अच्छे के 90 डिग्री पे हम इसको मूवमेंट प्रदान करते हैं। नंबर तीन, इसके पार्ट देख रहे हैं, नंबर तीन में ऊपर क्या लगा रहता है, क्रॉस स्लाइड के ऊपर लगा रहता है, नीचे से देख रहे हैं, पहले सैडल था नीचे, फिर उसके ऊपर क्रॉस स्लाइड हो गया, फिर उसके ऊपर जो यूनिट रहती है कंपाउंड स्लाइड रहती है। कौन सी यूनिट रहती है, कंपाउंड स्लाइड यूनिट रहती है। कंपाउंड स्लाइड हो गई, इसके ऊपर कंपाउंड स्लाइड होती है। कंपाउंड स्लाइड का प्रयोग क्या होता है, जब हम टेपर काटेंगे, टेपर में काटने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा एंगल में फीड देनी पड़ती है, ठीक है। जब हम टेपर पढ़ाएंगे कितने प्रकार के टेपर होते हैं, उसमें बताया जाएगा टेपर कैसे काटते जाते हैं, तो कंपाउंड स्लाइड कैसे यूज होता है। आप बस इतना समझ लीजिए, यहाँ पे कंपाउंड स्लाइड का प्रयोग एक एंगल में, ये 0 से 360 डिग्री, यहाँ पे 0 से 360 डिग्री पे मार्किंग होती है, जिसको हम कंपाउंड स्लाइड को क्या कर सकते हैं, पूरे में किसी भी एंगल में हम फिक्स कर ले। जब नीचे वाली यूनिट घूमती है तो ऊपर सबसे बंधा होता है टूल पोस्ट, ऊपर टूल पोस्ट बंधा रहता है। जैसे जैसे ये यूनिट क्रॉस में चलाएंगे तो टूल पोस्ट आगे पीछे जाएगा, एंगल में जाएगा तो टूल पोस्ट एंगल में जाएगा। मतलब जो टूल की रोटेशन है, टूल में जो फीड है, जैसे जैसे क्रॉस स्लाइड कंपाउंड स्लाइड बात करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर सबसे ऊपर टूल पोस्ट बंधा होता है। टूल पोस्ट भी कई प्रकार के होते हैं, इंडक्शन टाइप टूल पोस्ट, सिंगल टूल पोस्ट, ठीक है, ब्रिटिश टाइप टूल पोस्ट। तो जब आपको टूल पोस्ट टाइप्स बताए जाएंगे उसमें समझ में आएगा। बस ये समझ लीजिए नीचे सैडल हो गया, उसके ऊपर क्रॉस स्लाइड हो गई, क्रॉस स्लाइड के बाद कंपाउंड स्लाइड हो गई, कंपाउंड स्लाइड के बाद टूल पोस्ट हो गया, ऊपर वाला पोर्शन टूल पोस्ट हो गया, ठीक है। इसमें हम टूल होल्ड करते हैं। यही टूल क्या करता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। लेथ मशीन में बेसिकली सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ही यूज होता है टर्निंग के दौरान, जबकि हम इसमें ड्रिलिंग करेंगे, रेविंग करेंगे, उसमें फ्लूइड्स भी रहते हैं, तो उसमें वो बात अलग है, ठीक है। तो इसमें जो टूल पोस्ट रहता है, इसमें टूल होल्ड करने के लिए
टूल पोस्ट रहता है। अब ये जो सामने का पोर्शन दिख रहा है कैरिज का, ये जो सामने का पोर्शन दिख रहा है जहां पे लीवर लगे हुए होते हैं उसको हम एप्रन बोलते हैं। उस पोर्शन को क्या बोलते हैं? एप्रन बोलते हैं। जहां सामने का पोर्शन जहां पे सारे लीवर दिख रहे होते हैं, लीवर मैकेनिज्म लगा रहता है जिसमें गियर को भी इंगेज करते हैं, थ्रेड चेंजिंग डायल होता है उसको भी इंगेज करते हैं। थ्रेड चेंजिंग डायल अलग चीज है, हाफ नट अलग चीज है, वो बताया जाएगा आपको। थ्रेड चेंजिंग डायल का प्रयोग क्या करते हैं, जब उसी जगह से हमें फिर से थ्रेड गहराई में काटनी होती है तो थ्रेड चेंजिंग डायल का यूज होता है। ठीक है, तो एप्रन समझ में आया, जो ऊपर का पोर्शन दिख रहा है आपको सामने से एप्रन होता है। तो टोटल नंबर आप कितने हो गए? 5। तो क्वेश्चन ये आया हुआ था कि कैरिज में टोटल कितने पार्ट्स होते हैं, मेन बेसिक जो पार्ट होते हैं वो कितने पार्टों से मिलकर कैरिज बनता है। तो आप लोगों ने 5 पार्ट्स देखे तो क्या हो जाएगा ऑप्शन 5 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कैसे हो जाता है? अब इसके बाद टूल पोस्ट देख लीजिए। ये जो यूनिट होती है वो टूल सॉरी ये टेलीस्टाफ होता है। टूल पोस्ट हो गया, ये टेलीस्टाफ होता है। टेलीस्टाफ में ये जो पोर्शन है टेलीस्टाक राइट साइड पे जो लगा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं टेलीस्टाक। टेलीस्टाक का प्रयोग क्या होता है, ये ड्रिल होल्ड कर सकता है, रीमिंग होल्ड कर सकता है, डेप्थ होल्ड कर सकता है, मतलब इसमें ड्रिल रीमिंग वगैरह टूल्स होल्ड कर सकते हैं। इसमें भी एक स्पेंडर लगा रहता है। जैसा आपने उसमें देखा है रेडियल ड्रिल मशीन में, उसमें एक स्पेंडर लगा रहता है जिसमें मोर स्टेपर कटा होता था, तो उसमें हम नीचे से ड्रिल फिट कर लेते थे, स्लीव या सॉकेट कुछ भी लगा के हम, या डायरेक्ट ड्रिल भी फिट हो सकते हैं क्योंकि मोर स्टेपर काटा जाता है। तो मोर स्टेपर कटा होता है इसमें, इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, ड्रिल फिट कर सकते हैं। ड्रिल फिट करने के लिए इसमें मोर स्टेपर काटा जाता है, जो कि ड्रिल में भी मोर स्टेपर होता है। ठीक है, तो जैसे पीछे हैंड व्हील लगा हुआ है, हैंड व्हील के दौरान जब हैंड व्हील घुमाते हैं पीछे से तो ये इसके स्पेंडर आगे पीछे रोटेट होता है, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल मोशन में रोटेट होता है। फिर इसमें हम क्या लगाते हैं, डेड सेंटर। इसमें डेड सेंटर बांध देते हैं, मतलब डेड सेंटर होल्ड कर देते हैं। डेड सेंटर में पीछे मोर स्टेपर कटा होता है, इस तरह की आकृति होती है डेड सेंटर की। इस तरह कुछ आकृति होती है, ये मोर स्टेपर है। ये पोर्शन क्या है, मोर स्टेपर है। ये जो आपको दिख रहा है ये पोर्शन मोर स्टेपर है। ठीक है, ये पोर्शन डायरेक्ट क्या होता है, इसके स्पिंडल में फिट हो जाता है। फिर हम हैंड व्हील के द्वारा ये डेड सेंटर लगाने के कुछ क्या हुआ, यहाँ पे जो हम लाइव सेंटर बांध सकते हैं, यहाँ पे जो आपके स्पेंडर दिख रहा था इसमें लाइव सेंटर होता है, इस तरफ लाइव सेंटर होता है, इस तरफ डेड सेंटर होता है। मतलब लाइव सेंटर हेड स्टॉक में बांधा गया होता है और डेड सेंटर टेल स्टॉक में बांधा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये सेंटर बांधने की यूज क्या हुआ, जब हम लंबा जाब होता है, कोई बहुत ही लेंदी जाब है, बहुत ही उसकी लंबाई क्या बहुत ज्यादा है, तो उसको लंबे जाब को टर्न करना है। इसमें इसमें जब टर्निंग करनी रहती है तो हम दोनों तरफ से जाब को होल्ड करते हैं। ठीक है, एक तरफ से लाइव सेंटर, एक तरफ से डेड सेंटर, दोनों के माध्यम से क्या होता है, जाब को होल्ड करते हैं। ठीक है, इस तरह सेंटर बने रहते हैं, दो होल्ड हो गए, अब ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, लाइव क्यों बोला गया है, चूंकि स्पिंडल घूमेगा तो लाइव सेंटर भी घूमेगा, जबकि डेड सेंटर फिक्स रहता है, वो घूमता नहीं, इसलिए डेड सेंटर। ठीक है, तो अब ये जाब रोटेट होता है, जब जाब रोटेट होगा फिर इसके बाद टूल पोस्ट के माध्यम से, कैरियज के माध्यम से इसमें कोई भी टर्निंग ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, जी समझ में आई आप लोगों को, मेन यही फंक्शन थे, यही उसके पार्ट थे। अब जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो मतलब इसके टाइप्स के बारे में बताया जाएगा, स्पेंडल इसको टेलीस्टाक को पूरा ओपन करके दिखाया जाएगा आप लोगों को, कैसे स्पेंडल में कौन सी थ्रेड कटी होती है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, टूल पोस्ट इसमें कौन से गियर मैकेनिज्म लगा रहता है, कैसे वर्क करता है, इसमें कौन सी फिटिंग रहती है, डक्टल फिटिंग रहती है, उसको कौन सी फीदर की के द्वारा आपस में जो डक्टल ग्रुप होता है उसमें आगे पीछे स्लाइड करने के लिए हम उसको फिक्स कर देते हैं। तो वो जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे लेथ मशीन उसके बारे में, तो इंट्रोडक्शन क्लास में लेथ मशीन के बारे में आप लोगों ने देखा। ठीक है, अब देखते हैं पहले से संबंधित कुछ पॉइंट कर लेते हैं, कितने प्रकार की लेथ मशीन होती है, क्या उसके पॉइंट है, क्या क्या उसके यूज है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेंगे जो हमने बताया है और जो आपको नई चीजें यहाँ से पढ़ने को मिलेंगी। तो क्या कुछ क्वेश्चन आया हुआ है वो बताते चलते हैं, तो आप लोग देखिएगा ध्यान देंगे।
पहला लेद मशीन कही एक मशीन है जिसमें जॉब घूमता है और टूल स्थिर रहता है, ये आपको पॉइंट बताया जा चुका है। ठीक है, जॉब क्या होता है, रोटेट करता है, टूल स्थिर रहता है, किस जगह पे, टूल पोस्ट पे या टेलीस्टाफ पे। नंबर दो, इस प्रकार का विभिन्न काम किया जा सकता है, विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन किए जा सकते हैं, टर्निंग, स्ट्रिप टर्निंग, थ्रेडिंग, बोरिंग, टैपिंग, ग्रूविंग, मिलिंग, फार्मिंग, ड्रिलिंग इत्यादि, मतलब लगभग लगभग सारे काम किए जा सकते हैं, इसलिए इसको मदर ऑफ मशीन भी बोला जाता है। ये भी हो गया। टाइप्स ऑफ लेथ मशीन, टाइप्स ऑफ लेथ मशीन में सभी लेथ मशीन के पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, सभी लेथ मशीन के बारे में आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपको एक प्रोडक्शन लेथ मशीन बताई जाएगी। प्रोडक्शन लेथ मशीन के अंतर्गत आपको कैपेसिटर लेथ और टरेट लेथ आएंगी, जिसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, बाकी थोड़ी थोड़ी नॉलेज इसलिए होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन से क्वेश्चन आए थे वो हम आपको बता देंगे, इसलिए आपको पॉइंट पॉइंट नॉलेज बताई जाएगी, यहाँ पे पॉइंट पॉइंट आपको जानकारी जिससे मिल सके। ठीक है, पहला है स्पीड लेथ मशीन। स्पीड लेथ मशीन जैसा कि नाम से आपको लग रहा है ये स्पीड में चलती है, इसकी मतलब स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है, इसमें रोटेशन बहुत स्पीड में होते हैं, बहुत तेज होते हैं, इसलिए स्पीड लेथ मशीन। सेंट्रल लेथ मशीन, इसके बारे में आपको डीप से पढ़ना है, जिसके बारे में आपको बताया जा रहा था अभी। बेंच लेथ मशीन, जैसा नाम से लग रहा है बेंच लेथ मशीन, बहुत ही छोटी मशीन होती होगी जो एक बेंच में फिट हो जाती है, ठीक है, छोटे कार्यों के लिए बेसिकली। टूल रूम मशीन, टूल रूम का जैसे जिक्र आता है तो आप लोगों के दिमाग में एक्यूरेसी जानी चाहिए कि बहुत ही एक्यूरेट काम करने वाली, बहुत ही एक्यूरेसी में जहां प्रिसीजन में वर्क करना है वहां पे टूल रूम लेथ मशीन। प्रोडक्शन लेथ मशीन, जैसा मैंने बताया अभी, जहां पे मास प्रोडक्शन करना है, एक ही तरह के जहां हमें मास प्रोडक्शन करना होता है वहां पे हम प्रोडक्शन लेथ मशीन। ऑटोमेटिक लेथ मशीन, ऑटोमेटिक लेथ मशीन में सारा कुछ लगभग लगभग ऑटोमेटिक होता है, आपको मैनुअल बहुत ही कम उसमें मैनुअल बहुत ही कम वर्क होता है। ठीक है, स्पेशल लेथ मशीन, स्पेशल लेथ मशीन के अंतर्गत कौन कौन सी लेथ मशीन आती है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, तो देखते हैं एक एक करके। स्पीड लेथ मशीन पहली थी आपकी, स्पीड लेथ मशीन, ठीक है, तो स्पीड लेथ मशीन में क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। इसकी बनावट साधारण लेथ मशीन की तरह होती है, जैसे सेंट्रल लेथ मशीन की तरह इसकी भी बनावट होती है, बस इसमें जो अंतर आता है 1200 आरपीएम से 3600 आरपीएम, 1200 आरपीएम से 3600 आरपीएम, मतलब आरपीएम का मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में इतने चक्कर क्या लगा जाता, ये इतना इसका स्पिंडल रोटेट हो जाता है एक मिनट में, तो ये 1200 से 3600 मतलब बहुत ही ज्यादा स्पीड है इसकी, एक मिनट में 1200 चक्कर लगाना बहुत ही ज्यादा स्पीड है, क्योंकि नाम ही था स्पीड लेथ मशीन, तो क्वेश्चन ये आया हुआ था, ये क्वेश्चन आया हुआ था आपसे, स्पीड लेथ मशीन की स्पीड बताइए 1200 आरपीएम से कितना 3600 आरपीएम तक होता है। ठीक है, इसमें कोन पुली लगा होता है जिससे तीन या चार अलग अलग गति पर चलाया जा सकता है। ठीक है, तो कोन पुली सिस्टम होता है, आल गियर में केंद्रित होता है, लेकिन इसमें बेसिकली मोस्टली क्या लगा रहता है, कोन पुली सिस्टम होता है, इसमें बेड एसिस्टा और टूल पोस्ट लगे रहते हैं, जैसे चूंकि बताया गया था पहले से सेंट्रल लेथ मशीन तरह होता है, इसलिए बेड एसिस्टा टूल पोस्ट, इसमें फीड गियर बॉक्स लोड एलईडी स्क्रू कैरेज नहीं लगा होता है। हाँ, इसमें क्या नहीं रहता, फीड राड दे गए थे आप उसमें, और हेड टूल पोस्ट सॉरी गियर बॉक्स लीड स्क्रू तक कैरेज नहीं लगा रहता है। ठीक है, चूंकि बहुत ही स्पीड में चलती है तो लीड स्क्रू लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसमें थ्रेडिंग तो हम काट ही नहीं पा सकते हैं, थ्रेड काटने के लिए बहुत ही लोएस्ट मतलब एक स्पीड चाहिए होती है, बहुत ही कम स्पीड चाहिए, लगभग 100 आरपीएम या 50 आरपीएम भी रहती है, 150 आरपीएम भी रहती है। ठीक है, तो चूंकि ये तो 1200 से नीचे ही नहीं है, 1200 से बहुत ज्यादा हाई स्पीड हो जाती है, इसलिए इसमें थ्रेड नहीं काट सकते, इसलिए लीड स्क्रू का कोई यूज नहीं है, तो ये कॉमन सेंस की बात थी, बाकी आप लोग पढ़ लीजिए क्वेश्चन ये आया हुआ है, बाकी जो इंपॉर्टेंट है ये भी है कि इस मशीन में लीड स्क्रू नहीं लगी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कौन सी लेथ मशीन थी, स्पीड लेथ मशीन के बाद आती है सेंट्रल लेथ मशीन। सेंट्रल लेथ मशीन के बारे में आपको बताया जा चुका है, सेंट्रल लेथ मशीन के सारे पार्ट के बारे में बताया जा चुका है, तो सेंट्रल लेथ मशीन आप लोगों को बता दिया मैंने, उसको छोड़ देते हैं, आज स्किप कर देते हैं, ये जो दिख रही है आपको सेंट्रल लेथ मशीन है। ठीक है, अभी मैंने सारा कुछ इसमें सारे पार्ट इसके हमने डिस्कस कर लिए हैं, आगे देखेंगे सेंट्रल लेथ मशीन के बाद। बेंच लेथ मशीन, बेंच लेथ मशीन है, ये छोटी लेथ मशीन है, क्योंकि ये बेंच में फिट हो जाती है, छोटी लेथ मशीन है, इस पर भी सारे ऑपरेशन किए जा सकते हैं, ये आपको दिख रही होगी बेंच लेथ मशीन,
ये बेंच चलित मशीन है, आप लोगों को जूम करके दिखा दे रहा हूँ, ये बेंच चलित मशीन है, बहुत ही छोटी रहती है, इसमें भी देख रहे हैं आप हेड स्टाफ होता है, हेड स्टाफ होता है, ये कैरिज लगी होती है, ये टूल पोस्ट, ये क्या रहता है, टेल स्टाक रहता है, इसमें भी सब कुछ दिख रहा है, नीचे लेग भी दिख रहा है आप लोगों को। तो ये बस छोटी होती है, आकृति भी छोटी होती है, तो इसमें हम इसको क्या करते हैं, बेंच में फिट कर सकते हैं इसको, इसलिए हम इसको बेंच चलित मशीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस लेथ मशीन के ऊपर सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जा सकते हैं। इस बेड, इसमें बेड की जो लंबाई रहती है 14 cm अप्रोक्सीमेट 1.5 meter, अप्रोक्सीमेट कितनी बेड की लंबाई, क्योंकि बहुत ही छोटी रहती है तो बेड की लंबाई का जिक्र होना ही है, तो आप लोग एमएम में लगभग लगभग याद रखिए 1.5 meter की रहती है। ठीक है, 1.5 meter की रहती है, इस पर अधिकतम 30 mm व्यास के जाप पर किया जा सकता है। तो बेंच लेथ मशीन देख रहे हैं तो मैक्सिमम 30 mm मोटे जाप पर हम इसमें वर्क कर सकते हैं, बहुत ही मतलब पतले जाप होते हैं 30 mm मोटे, बहुत ज्यादा मोटाई नहीं है, मतलब बहुत ही कम मोटे जापों पर हम काम कर सकते हैं। तो जो याद करने वाली चीज थी आपको, यहाँ से 30 mm तक, ठीक है, जब आपको कैपेसिटर लेंथ बताया जाएगा या टरेट लेंथ बताया जाएगा, तो कैपेसिटर लेंथ में मैक्सिमम कितना 60 mm तक और टरेट लेंथ में 120 mm तक। कैपेसिटर लेंथ में जो हम वर्क करते हैं वो भी छोटे जाबों के लिए होती है, वो भी छोटे जाबों के मास प्रोडक्शन के लिए होती है, तो हम लगभग लगभग 60 mm जाब उसमें होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट लेंथ होती है वो बड़े जाबों के लिए, लंबे जाबों के लिए, तो उसमें 120 mm मोटे जाबों को हम क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। तो आप लोग तीनों में कंपेयर बैठा लीजिए दिमाग में, बेंच लेंथ मशीन 30 mm तक, कैपेसिटर लेंथ मशीन 60 mm तक, ठीक है, 60 से फिर इसको डबल कर दीजिए तो डायरेक्ट लेंथ मशीन आ जाएगी। ठीक है, तो कंपेयर करके जब पढ़ते हैं आप लोगों को, कंपेयर करके जब पढ़ते हैं आप लोगों को, तो थोड़ा याद करना, दिमाग में बैठने वाली चीजें जल्दी याद हो जाती हैं। बेंच लेंथ मशीन 30 mm इसका डबल कर दीजिए, कैपेसिटर लेंथ मशीन इसका डबल कर दीजिए तो टरेट लेंथ मशीन। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ था 30 mm वाला। इसकी स्पिंडलिंग करती है 125 से 4000 RPM, क्योंकि बहुत ही छोटी मशीन होती है, प्रिसीजन वर्क के लिए होती है, छोटे जाबों को बनाने के लिए होती है, इसलिए इसकी स्पीड भी बहुत कम रहेगी, बहुत ज्यादा स्पीड कर देंगे तो क्या करेगा, बेंच को तोड़ के निकल जाएगी बाहर, इसलिए इसकी हम स्पीड को क्या करते हैं, बहुत ही कम है, 125 से 4000 RPM तक होती है। ये प्रिसीजन कार्यों के लिए होती है, यूज भी याद रखिए कि इस मशीन का क्या यूज है, प्रिसीजन कार्यों के लिए। मेन सेंटर लेंथ पढ़ना है, लेकिन दो दो पॉइंट तो याद कर सकते हैं ना, कम से कम दो दो पॉइंट, तीन तीन पॉइंट याद कर सकते हैं, क्योंकि तैयारी जो कराई जा रही है, यही क्वेश्चन आ गया, वो आप सेंटर लेंथ मशीन पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन आ गया कि बेंच लेंथ मशीन में कितने एमएम तक के जाप होल्ड कर सकते हैं, आपको जानकारी ही नहीं है, आपने तैयारी तो बहुत अच्छी की थी सेंटर लेंथ मशीन की, फिर आप बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस आ गया क्वेश्चन, तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। टूल रूम लेंथ मशीन, ये प्रेसिजन लेंथ मशीन कहते हैं, इसको प्रेसिजन लेंथ मशीन कहते हैं, प्रेसिजन का जो अगर दोनों में है ऑप्शन, मतलब एक बेंच वाइज में देखा प्रेसिजन कार्यों के लिए, ये भी देखा आप लोगों को, ये बेसिकली यही प्रेसिजन कार्यों के लिए रहती है, जो टूल रूम लेंथ मशीन रहती है, दोनों ऑप्शन के केस में ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, टूल रूम लेंथ मशीन, टूल रूम लेंथ मशीन, टूल रूम में जो भी काम होते हैं सारे प्रेसिजन वर्क होते हैं। ठीक है, तो ये प्रेसिजन कार्यों के लिए, आपकी बनावट बनावट भी देखा है, बिल्कुल सिंपल, हेड स्टाक है, कैरिज है, टूल पोस्ट है, टेल स्टाक है, सॉरी टूल पोस्ट ये होता है, ये टेल स्टाक है, ये टेल स्टाक है। ठीक है, तो प्रेसिजन कार्यों की जब बात आएगी तो वहां पे जो मोस्ट करेक्ट आंसर होगा वो क्या रहेगा, टूल रूम लेंथ मशीन। इसकी बेड की लंबाई 135 cm से 180 cm होती है, नहीं याद कर पा रहे तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर याद कर पा रहे हैं बहुत अच्छी तैयारी करके जा रहे हैं, मतलब बहुत ही अच्छे कंपटीशन के लिए तैयारी करके जा रहे हैं, तो फिर आप लोग जितना आप लोग प्रयास यही करते हैं जितना अधिक से अधिक आप लोग याद कर सके, तो अगर याद हो पा रहे तो कर लीजिए। इसका सहायक उपकरण है कॉलेट और थ्रेड चेकिंग, इसका जो सहायक उपकरण है वो कॉलेट, एक चक होता है, जब आपको चक बताए जाएंगे, फेस चक बताए जाएंगे, इसमें कॉलेट चक बताया जाएगा। ठीक है, ये छोटे जाबों को होल्ड करने के लिए रहता है, जो कैपेसिटर लेंथ में क्या भी लगा रहता है उसमें भी कॉलेट चक लगा रहता है, कैपेसिटर लेंथ में बेसिकली कॉलेट चक में ही जाब होल्ड करते हैं, तो इसमें भी कॉलेट चक और थ्रेड चेजिंग होती है। ठीक है, इसके स्पिंडलिंग गति 20 से 2000 RPM, ये देखो बहुत ही कम, 20 RPM से घूम रहा है। ठीक है, तो 20 RPM से 2000 RPM तक होती है, इसका प्रयोग टूल से गेज ऑब्जेक्ट से टाई बनाने के लिए रहता है, क्योंकि टूल रूम में प्रयोग हो रहा है, तो इसका प्रयोग, ये सारे क्या है, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, टूल हो गया,
टूल बहुत ही प्रिसीजन बनाने पड़ते हैं, गेज बहुत ही प्रिसीजन बनते हैं, डायरियां भी बनाई जाती हैं। तो इस कप टूल रूम में प्रयोग करने की वजह से जहाँ पे प्रिसीजन काम हो रहा है, या पूछ ले टूल्स गेज जिग्स कहाँ बनाए जाते हैं, तो टूल रूम चूंकि प्रिसीजन आप जॉब थोड़ी बना रहे हैं, गेज बना रहे हैं, गेज मतलब एक्यूरेसी समझ रहे हैं आप लोग, तो प्रिसीजन काम है, आप तो प्रिसीजन रख के गए थे, आ गया जिग काम बनाए जाते हैं, तो आप तो बोलेंगे बताया नहीं गया। तो जिग भी कैसा है, जिग भी बहुत प्रिसीजन होते हैं, गेज भी बहुत प्रिसीजन होते हैं, जिनके मतलब एक बोले तो माइक्रोन से भी कम एक्यूरेसी होती है, तो उनको बनाने के लिए हमें टूल रूम, क्योंकि प्रिसीजन काम कौन कर रही थी, टूल रूम लेट मशीन। नेक्स्ट देखेंगे प्रोडक्शन लेट मशीन। प्रोडक्शन लेट मशीन में इस मशीन का प्रयोग कम समय में एक ही प्रकार के अधिक जॉबों के लिए, मतलब प्रोडक्शन करना है, मास प्रोडक्शन में जहां बात आती है तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, समय कम लगे और प्रोडक्शन ज्यादा हो, तो कम समय में एक ही प्रकार के तथा आकार का जॉब, एक ही आकार में एक ही प्रकार के, सेम साइज सेम शेप में जब हमें मास प्रोडक्शन करना होता है, नाम से लग रहा है प्रोडक्शन, क्वेश्चन आ जाता है मास प्रोडक्शन के लिए कौन सी मशीन, प्रोडक्शन लेट मशीन। ये दो प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था कैपेसिटन लेथ और टरेट लेथ, कैपेसिटन लेथ और टरेट लेथ, कैपेसिटन एंड टरेट लेथ, क्वेश्चन ये भी आ चुका है। तो कैपेसिटन और टरेट में अंतर हम कल के टॉपिक में कर देते हैं, कल के लेक्चर में आ चुकी, थोड़ा लेंदी हो रहा है चैप्टर, तो कैपेसिटन और टरेट के बारे में कल आपको बता देंगे, ठीक है, डीप से बता देंगे, सारे पॉइंट अंतर करके दिखा देंगे ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, क्योंकि ये इससे भी क्वेश्चन आ चुके हैं, इसमें पॉइंट नहीं दिए हुए हैं कैपेसिटन टरेट के। तो अब सीएनसी मशीन होती है, ये मास प्रोडक्शन के लिए होती है, कैपेसिटन बस छोटा समझ लेंगे, ये छोटे जाबों का मास प्रोडक्शन करती है, जबकि टरेट लेथ मशीन होती है ये बड़े जाबों का मास प्रोडक्शन करती है, ठीक है, और भी अंतर है वो हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा अन्य मशीनों की अपेक्षा इंपॉर्टेंट है। ये है आपकी कैपेसिटन एंड टरेट, कल हम और फिगर दिखा देंगे क्लियर इसमें। ये सीएनसी मशीन है, ये आपकी कौन सी है, सीएनसी लेथ मशीन है, सीएनसी में सारा कुछ कंप्यूटराइज होता है, जैसे आप लीवर हैंड व्हील उसमें देख रहे थे, तो ये बहुत ही कॉस्टली आती है और इसमें सब कुछ कंप्यूटराइज होता है, इसमें ऑटोमेटिक सब इसमें फीड कर देते हैं कंप्यूटर में, तो वो इसी अकॉर्डिंग ऑपरेशन सिक्वेंस में ऑपरेशन करती जाती है, तो बहुत ही इसमें मतलब स्किल की इतनी जरूरत है जितनी आप कंप्यूटर चलाने में यूज करते हैं। स्पेशल लेथ मशीन, तो स्पेशल लेथ मशीन इस प्रकार के लेथ मशीन का प्रयोग विशेष प्रकार के जॉब बनाने के, स्पेशल का मतलब ये हो गया स्पेशल प्रकार के जॉब बनेंगे, अब स्पेशल प्रकार के जॉब में क्या होता है, इस लेथ मशीन का प्रयोग जिस कार्य के लिए किया जाता है उसको उसी नाम पे दे दिया जाता है, जैसे क्रैंकशाफ्ट एंड टर्निंग, क्रैंकशाफ्ट टर्निंग, क्रैंकशाफ्ट की टर्निंग करनी है तो उसके लिए हमें जरूर लेथ मशीन होगी, वो क्रैंक लेथ मशीन हो जाएगी, मतलब स्पेशल पर्पज के लिए, उसमें फिर क्रैंकशाफ्ट ही बनेंगे, अदर हम ऑपरेशन या अदर हम तरह के जॉब हम क्या कर सकते हैं उसमें नहीं बना सकते हैं, ठीक है। कैम लेथ है, कैम शाफ्ट बनानी है तो कैम के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, स्पेशल लेथ मशीन, व्हील लेथ या कॉपिंग लेथ, मतलब ये अलग अलग प्रकार के ऑपरेशन है जिन स्पेशल कामों के लिए स्पेशल लेथ मशीन यूज होती है। ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है, फिगर बहुत क्लियर नहीं होगा अगर, तो एक स्पेशल कामों के लिए स्पेशल प्रकार के, जैसे हम लेथ मशीन यूज करते हैं वैसे प्रकार के हम क्या कर सकते हैं, जॉब बना सकते हैं। लेथ मशीन का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है, तो लेथ मशीन कई प्रकार की आती है, ब्रिटिश में भी आती है, अमेरिकन सिस्टम में भी आती है, बीएसआई सिस्टम में अलग तरह से वर्गीकरण किया गया है। लेंथ ऑफ बेड मतलब बेड की लेंथ लंबाई मायने रखती है, जो इधर हेड स्टाफ होता है, इधर टेल स्टाफ होता है, इधर कैरी होता है, तो ये किसमें होल्ड रहते हैं, बेड में रहते हैं, तो ये बेड की ओवरऑल जो लंबाई रहती है टेल स्टाफ टू हेड स्टाफ वो मायने रखती है। तो लेंथ ऑफ बेड, टाइप ऑफ बेड, टाइप बेड कई प्रकार होते हैं, गैप बेड होता है, कॉम्बिनेशन बेड होता है, वी बेड होता है, फ्लैट बेड होता है, ठीक है। टाइप ऑफ हेड स्टाफ, हेड स्टाफ किस प्रकार का, कौन पुली सिस्टम है, की आर्गियर मैकेनिज्म है। स्विंग साइज, स्विंग साइज क्या होता है, जब हम जॉब होल्ड करते हैं लेथ चक में, जब जॉब होल्ड करते हैं तो जो रोटेट करता है तो वो कितना अधिक डायल का जॉब रोटेट कर सकता है वो उस पर डिपेंड करता है स्विंग साइज, ठीक है। स्विंग साइज हो गया लेंथ बिटवीन सेंटर, तो ये जो लाइव सेंटर रहता है, डेड सेंटर रहता है, उनके बीच के जो केंद्र की दूरी रहती है। स्विंग ओवर कैरिज, स्विंग ओवर कैरिज मतलब ये होता है जो कैरिज होता है, ये जो बीच में कैरिज होता है इसमें कितना अधिक से अधिक जॉब हम क्या कर सकता है, हो बिना डिस्टर्ब हुए कितना अधिक से अधिक मोटा जॉब हम इसमें कैरेज में क्या कर सकते हैं, कैरेज के ऊपर रोटेट करा सकते हैं, वो स्विंग ओवर कैरेज होता है। स्पिंडल बोर साइज, स्पिंडल बोर साइज और स्पिंडल के टाइप्स भी अलग अलग होते हैं, जिनको नोज बोलते हैं, ठीक है, नोज स्पिंडल भी होते हैं, थ्रेडेड स्पिंडल होते हैं, टेपर स्पिंडल होते हैं, तो
तो स्पिंडल बोर साइज, इसमें जो स्पिंडल की मोटाई है उसको एक बोर साइज की बात कर रहा है, इसका इंटरनल डाया, बेसिकली इंटरनल डाया की बात कर रहा है, तो उसमें भी डिपेंड करता है कैसी लेथ मशीन है। तो ये क्लास वन थी आप लोगों की, जिसमें सेंट्रल लेथ मशीन के बारे में आप लोगों को बताया गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा आप लोगों का चैट देख लेता हूँ। सेंट्रल लेथ के बारे में, तो सेंट्रल लेथ के बारे में पढ़ाया जाएगा आपका, तो क्लास वही चल रही थी सेंट्रल लेथ के बारे में। तो ठीक है, आप लोग बने रहिए, एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए जाएंगे तो पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा आपका। तो ये लाइव क्लास थी आप लोगों की। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।